अरे ऐसा कल पे पत्थर पड़ गया, ये क्या बात हुई, ये कैसे हो, कैसे गया ये तो बताओ उसको। जल्दी करो, गुड मॉर्निंग, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ रेड बाय लक्ष्मी साहब। First, the top story. The 39th Amendment placed the maintenance of Internal Security Act in the Constitution and thus made totally immune from any judicial review. Tokman Gate forcibly demolished as per government order to clean the Delhi city. The poor residents to be moved to distant settlements. An army subordinate shot his two superior officers in the military camp. One died and the other seriously wounded. नमस्कार। नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र के केस में उसको आज सजा हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं, वो इतना क्रूर है क्या? भूल जाओ, देखो तुम यहाँ नए आए हो इसलिए तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कर्नल सूरज के कोर्ट मार्शल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। पता नहीं रामचंद्रन का क्या होगा। सच्चाई के खिलाफ जो भी गलत काम करेगा उसको कर्नल सूरज सिंह सजा जरूर देंगे। रामचंद्रन का ये केस सैनिकों के लिए सबक साबित होना चाहिए। एक जवान के लिए सेंटिमेंट्स कोई मायने नहीं रखता है, सबको साथ मिलकर एडजस्ट करना चाहिए। सच्चाई और धर्म का हमेशा साथ देना चाहिए, सैनिक के लिए यही उचित होता है। वहीं रुको, तुम्हें अंदर किसने भेजा? मुझे पापा से मिलना है। देखो बेटा आप यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। मुझे पापा से मिलना है, मैं बहुत दिनों से पापा से। बेटा रोते नहीं है, आप जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पापा बहुत अच्छे। रो मत बेटी। अरे क्या नाटक लगा रखा है, पता है ना बिना इजाजत के अंदर आना मना है, तो ये अंदर कैसे आ गई? ये बच्ची सीनियर ऑफिसर से मिलना चाहती है। काहे का सीनियर, वो एक खूनी है, उसे सीनियर मत कहो। मुझे मेरे पापा से मिलना। इस बच्ची को बाहर लेकर जाओ, किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो कह रहे हैं वो सुनाई नहीं देता क्या? बस एक बार मुझे पापा। सुनो बेटी तुम बाहर जाओ, बस एक बार मिलवा दो प्लीज। देखो रो नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जा। मुझे पापा से मिलवा दो। जा बेटा। बेटी रो मत, बाहर चलो। मुझे पापा। चलो बेटी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जीत लेंगे, आ जाओ। उस बच्ची को देखकर मुझे बहुत तरस आ रही है। बच्ची का रामचंद्रन के अलावा कोई नहीं है, अब उस बच्ची का क्या होगा पता नहीं। तुम सब एक सैनिक हो, तुम ये क्या सेंटिमेंट्स लेकर घूम रहे हो? तुम सही कह रहे हो, एक मुजरिम पर रहम दिखाना हमारे आर्मी के रूल में नहीं है। सैनिक का दूसरा नाम होता है हिम्मत और धैर्य। अगर हम एक मुजरिम को देखकर कमजोर हो जाएंगे तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। कोई भी मुसीबत आए हमें डटकर सामना करना चाहिए।
यस। सिट डाउन। रामचंद्र को हाजिर किया जाए। Please sit down. So, Major Ajay Puri, sir, you are the government leader. Court martial की शुरुआत की जाए। Sir, sir. गार्ड्स जब ड्यूटी पर थे तब जवान रामचंद्रन ने जून 10 तारीख की रात को देखा कि गार्ड जंक्शन की तरफ तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए दो ऑफिसर्स उनकी ओर आ रहे हैं। तब इन्होंने सर्विस राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर उस हादसे में घायल हो गए थे। दोनों ऑफिसर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बाद मोहन वर्मा की मौत हो गई। उस हादसे में कैप्टन कपूर भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनके बाएं हाथ पर गोली लगी थी। वहां मौजूद सारे लोग मिलकर कैप्टन कपूर को मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर गए और इनका इलाज करवाया गया। फिर ऑपरेशन करके बड़ी मुश्किल से गोली निकालने के बाद कैप्टन कपूर की जिंदगी बचा ली गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोली 2 इंच और अंदर जाती तो आज कैप्टन कपूर किसी भी हाल में जिंदा नहीं होते। इसका मतलब जवान रामचंद्रन ने जानबूझकर दोनों को मारने के इरादे से गोली चलाई थी। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड 302 के तहत जवान रामचंद्रन का कोर्ट मार्शल करके उन पर मुकदमा चलाया जाए ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दैट्स ऑल सर। रामचंद्रन सर, इनके कहने के मुताबिक कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर को तुमने मारने की पूरी कोशिश की। यह जनरल कोर्ट मार्शल है। इसका मतलब आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है आप उसे कबूल करते हैं। व्हाट डू यू से, गिल्टी और नॉट गिल्टी? गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर, सर, बैठ जाओ रामचंद्रन। सर, सरकारी वकील के पहले गवाह को हाजिर किया जाए। मेजर अजय पुरी। सर, यू कैन प्रोसीड नाउ। सर, सर, यस कैप्टन विकास रॉय, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मेजर अजय पुरी के गवाह से पूछताछ करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। कोर्ट मार्शल के पूछताछ के पहले विकास रॉय का कार्यक्रम शुरू हो गया है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? मेजर अजय पुरी ने आरोप लगाते हुए 2 बार जवान रामचंद्रन कहकर पुकारा। तो फिर मुझे क्या कहकर पुकारना चाहिए? जवान रामचंद्रन के बजाय सवार रामचंद्रन कहकर बुलाना चाहिए था इन्हें। व्हाट डू यू मीन? रामचंद्र सेना में जवान ही तो है, फिर उसे जवान कहे या सवार रामचंद्र कहे इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप इन्फेंट्री में कर्नल हैं तो क्या मैं आपको मेडिकल कर्नल बुला सकता हूं? आर्म्ड फोर्स में वो सवार रामचंद्रन है, इसलिए इन्हें सवार कहा जाएगा, जवान नहीं। इज इट करेक्ट सर? या कैप्टन विकास का कहना बिल्कुल सही है, इसे जवान रामचंद्र के बजाय सवार रामचंद्र बुलाना बिल्कुल सही होगा। यू आर राइट कैप्टन रॉय। थैंक यू सर। टेक्निकली किसी को मुजरिम ठहराने के लिए कोर्ट मार्शल का वक्त जाया करना डिफेंस काउंसिल का इरादा लगता है? वक्त जाया कर रहा हूं?
किसी को बेगुनाह साबित करने के लिए बहस करना वक्त जाया करना कैसे हो गया? गलत सही क्या है ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ? और फिर मुझसे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा मानना है यहाँ पर बहस करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि हम किसी को सजा देना चाहते हैं, बल्कि इस पूरे हादसे के पीछे सच्चाई को जानना ही हमारा मकसद है। और ये जो सच है ये थोड़ी देर के लिए छुपाया तो जा सकता है, लेकिन ये बाहर जरूर आता है, कभी भी आ सकता है। कैप्टन रॉय। सर। एक बात ध्यान से सुनो, ये कोर्ट मार्शल है, ये कोई नाटक कंपनी नहीं। पक्ष विपक्ष की बातों के जरिए बहस करके कोर्ट का वक्त जाया करने का अधिकार यहां किसी को नहीं दिया गया है। डू यू अंडरस्टैंड? सिर्फ रामचंद्रन के कोर्ट मार्शल के बारे में पूछताछ की जाएगी। एंड इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रेसाइडिंग ऑफिसर मैं हूं, कर्नल सूरज सिंह। डोंट यू एवर फॉरगेट दैट। सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट जनरल ने भी समर्थन दिया है। सो व्हाट? अगर सोचेंगे कि इस मामले में बहस करके कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है तो बहुत मुश्किल होगी। आई स्टिक टू व्हाट आई से। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहां बैठकर सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आप मेरी जगह किसी और को रख सकते हैं सर। डोंट थ्रेटन मी। सभी लोग जानते हैं कि खूनी रामचंद्रन ही है। जो अखबार में आया और सुनाई दिया वो सब यही है, रामचंद्रन ने ही किया है और इस बात को इसने खुद स्वीकारा है। इतना ही नहीं, इस कोर्ट में बैठे सभी लोगों को पता है, इस दुनिया में जो लोग हैं उन सबको पता है कि खून जिसने किया है वो रामचंद्रन ही है। इसके बाद इसको जवान रामचंद्र या सुवार रामचंद्र कहके पुकारे क्या फर्क पड़ता है? तो सर, पक्ष विपक्ष के बहस होने से पहले ही आपने तय कर लिया है कि खूनी यही है, तो फिर इस कोर्ट मार्शल और इस नाटक की क्या जरूरत है? कैप्टन विकास रॉय, यूज प्रॉपर लैंग्वेज। मेरे ख्याल से आप न्यूज नहीं पढ़ते हैं जो अखबार में छपी होती है। अखबार में जो भी न्यूज आते हैं वो हमेशा सच नहीं होते। तो तुम कहना चाहो कि अखबार झूठ छापता है? अखबार में जो छपते हैं वो सच्चाई के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कटघरे में जो शख्स खड़ा है वो शख्स गुनहगार है या बेगुनाह है, कोर्ट में इस पर बहस करने के बाद ही इस पर फैसला किया जा सकता है सर। इससे पहले हम इस पर कार्रवाई करने के लिए इसे अक्यूज मान सकते हैं। सर, नाउअडेज न्यूज़पेपर डोंट गिव न्यूज, दे एक्सप्रेस जस्ट देयर व्यूज। यू प्लीज सिट कैप्टन रॉय। सर। गवर्नमेंट लीडर। सर। यू कैन काइंडली प्रोसीड। पहले गवाह को हाजिर किया जाए। यस सर। सर, इस केस में पहला गवाह है रेजिमेंट का सूबेदार बलवंत सिंह। सूबेदार बलवंत सिंह। सर। क्या बताएंगे कि 10 तारीख की रात को जब यह हादसा हुआ था उस वक्त आप कहां थे सूबेदार साहब? सर, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस में था। रात के 10 बजे आप गार्ड हाउस में क्या कर रहे थे? क्या उस दिन आप रात की ड्यूटी पर थे? उस दिन मेरी ड्यूटी दिन के समय थी। मैं ड्यूटी करके जब बाहर गया वापस आके देखा बिजली नहीं है, घर में गर्मी हो रही थी, तो टहलने के लिए अपने साथी हवलदार राय सिंह के साथ बाहर निकल आया। तो फिर उस दिन रात को कौन सा गार्ड ड्यूटी पर था? जवान राम, सॉरी सर, सवार राम था। तो आपने उस रात को क्या देखा? सर, मैंने बताया ना, उस वक्त लाइट नहीं थी, इस वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक से दिखाई नहीं दिया? उस वक्त आपने चश्मा नहीं पहना था क्या? सर, मेरी आंख 100% सही है, इसलिए मैं चश्मा नहीं पहनता। लेकिन अभी आपने कहा कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया। सॉरी सर, उस वक्त लाइट नहीं थी, मैंने अभी बताया था। ओके, सूबेदार बलवंत सिंह, लाइट नहीं थी ये बात तो सही है, लेकिन वो पूर्णिमा की रात थी। हाँ, पूर्णिमा की रात थी। हाँ, तो आपका कहना है कि आप गार्ड हाउस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, और आमतौर पर देखा गया है कि पूर्णिमा की रात में 400 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। अच्छा, ये सब जाने दीजिए, बताइए आपने क्या देखा? मैंने देखा एक मोटरसाइकिल गार्ड हाउस की तरफ आ रही थी। मोटरसाइकिल पर कितने लोग थे? 2 लोग। उन्होंने हेलमेट पहना था क्या? नहीं। हाँ, आप उन्हें नजदीक से देखोगे तो पहचान लोगे? यस सर। कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर पीछे बैठे हुए थे। उस रात को मोटरसाइकिल पर आने वाले अपने रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स को आपने अच्छी तरह पहचान लिया, तो जो गार्ड वहां ड्यूटी पर था उसे भी तो आप पहचान सकते हैं ना? हाँ सर। ओके, उस वक्त ड्यूटी पर कौन था? सवार रामचंद्र।
असल में हुआ क्या था? मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के करीब आई, सवार रामचंद्र ने गोली चलाई। पहली गोली कैप्टन मोहन वर्मा को लगी, जिस वजह से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी रोड के किनारे गिर गई। ओके। उसके बाद रामचंद्र ने दूसरी गोली चलाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। आगे बोलिए। दूसरी गोली कैप्टन कपूर के बाएं हाथ में जाके लगी थी। रामचंद्र ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मैं और हमारे साथी राय सिंह ने रामचंद्र को जाके पीछे से पकड़ लिया। जब आप लोगों ने उसे पीछे से पकड़ा तो वो किस पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा था? सर, कैप्टन कपूर पे। अगर आप लोगों ने रामचंद्रन को पीछे से नहीं पकड़ा होता तो वो कैप्टन कपूर को गोली मार देता, सही कह रहा हूं ना? हाँ सर। उसके बाद उस समय क्या हुआ? उसी समय हमारे सारे सैनिक साथियों ने मिलकर रामचंद्र को पकड़ लिया। रामचंद्र चीख चीख के सबको खुद को छोड़ने के लिए कह रहा था और बोल रहा था कि मैंने ही इसे मारा है। हाँ। और ये भी बोला सर कि मुझे कैप्टन कपूर को भी मारना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर उसके बाद? ये सुनने के बाद हमने रामचंद्र के हाथ से राइफल छीन के फेंक दिया। मतलब आप लोगों ने उस पर काबू पा लिया? हम सब बहुत कोशिश करके उसे काबू में लाए, लेकिन ये हमें भी नहीं पता कि उस रात रामचंद्र के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति कहां से आ गई थी, ईश्वर ही जाने सर। सर, अब मुझे और कुछ नहीं पूछना। ओके मेजर पुरी। थैंक यू सर। कैप्टन विकास रॉय, आप चाहें तो गवाह से पूछताछ कर सकते हैं। यस सर। सुबेदार साहब। सर, यहां बैठे हुए रामचंद्रन को आप कब से जानते हैं? कुछ सालों से। ट्रेनिंग सेंटर में मेरी ही रेजिमेंट में ज्वाइन किया था, तभी से जानता हूँ। इन 3 सालों के दरमियान रामचंद्रन ने किसी के साथ कहीं झगड़ा या मुठभेड़ किया था? नहीं सर। सही कह रहे हो? बिल्कुल सर, रामचंद्र तो किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता। अब तक इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाई गई है या कोई कंप्लेंट? नहीं सर, ये बहुत अच्छा आदमी है, दिल का बहुत साफ है। ठीक है। इससे पहले आप या आपके ऑफिसर ने रामचंद्रन को कोई काम दिया हो और इसने वो काम करने से मना कर दिया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर, रामचंद्र को जो भी ड्यूटी मिली उसे ईमानदारी से निभाया, कभी इसने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया सर। इस दौरान कैप्टन मोहन वर्मा या फिर कैप्टन कपूर ने कभी भी इनके खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत की? चलिए इस बात को हम छोड़ देते हैं, रेजिमेंट की तरफ से इन्हें कभी कोई छोटी सी पनिशमेंट भी मिली है? नहीं, कभी नहीं। अगर ऐसा है तो रामचंद्रन ने कैप्टन मोहन वर्मा का खून कर दिया और कैप्टन कपूर को माफ कर दिया, ऐसा क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूं? मैंने जो देखा वो बताया। हम जो भी देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता सूबेदार साहब, हम तो सच्चाई के सिर्फ एक भाग को ही देख पाते हैं। हम जो आंखों से देखते हैं वो हमेशा सच होता है। तो फिर आपको यहां हिलता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। धरती हमेशा घूमती रहती है ये बात हर कोई जानता है, पर आपको वो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बात सच नहीं है क्या? धरती का घूमना और इस कोर्ट मार्शल का क्या संबंध है कैप्टन विकास रॉय? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रायल में इस तरह के सवाल जवाब कोई मायने नहीं रखता है। मेजर अजय पुरी इज राइट कैप्टन रॉय, कोर्ट का वक्त जाया करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं आपको। यस सर, वक्त बहुत ही कीमती है लेकिन किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। यहां वक्त और सच्चाई दोनों ही अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। ट्रूथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ द फ्यूचर। सच क्या है सिर्फ अपनी आंखों से देखी हुई चीजों के आधार पर तय नहीं कर सकते हैं। कैप्टन रॉय। सर, गवाह से आपको जो पूछना है सिर्फ आप वही पूछिए। सर, जिस दिन यह हादसा हुआ था उस रात को रहस्य सूचना का इस्तेमाल नहीं हुआ था? वो क्या है सर, मैं कुछ समझा नहीं। सीक्रेट पासवर्ड। यहां पर इस तरह कठिन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कैप्टन रॉय, पासवर्ड का क्या मतलब है? सुबेदार साहब, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। उस रात का पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं है सर, अगर आप चाहें रजिस्टर से बता सकता हूं। जरूरत नहीं है, क्लर्क से भी पूछ के बता सकता हूं। hey, हर नए दिन एक नया पासवर्ड होता है, कुछ महीने पहले के दिए गए पासवर्ड को भूल जाना कोई बड़ी गलती नहीं है। मैं बताता हूं, उस रात का पासवर्ड काला चांद रखा गया था। प्लीज। You are correct, Captain Roy.
पासवर्ड काला चांद ही था। यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। उस रात टहलते हुए आपने इतनी दूर से आ रही मोटरसाइकिल में दो ऑफिसर्स को पहचान लिया था, तो रामचंद्रन को भी पहचान सकते थे ना? क्यों? हाँ सर, मैंने भी वही कहा। जब ऑफिसर्स आपस में मिलते हैं तो पासवर्ड एक दूसरे से पूछते हैं, ये सैनिकों का रूल है ना? पासवर्ड बताने या नहीं बताने वाला मैं कौन होता हूँ? रूल इज रूल, ये तो सबका काम है, जब चाहे गार्ड से आप पूछ सकते हैं। ओके। उस रात रामचंद्रन ने उन दोनों ऑफिसर्स को रोकने या फिर पासवर्ड जानने की कोशिश की? नहीं सर, ना ही पासवर्ड पूछा ना रोकने की कोशिश की, मैंने खुद देखा था। आपने जो देखा उसके बारे में नहीं, आपने जो सुना उसके बारे में पूछा। आपने जो सुना वो बताइए। रामचंद्रन ने चैलेंज किया था क्या? मैंने नहीं सुना। उसने चैलेंज किया था या नहीं मैं कैसे बोल सकता हूँ? मतलब आपको सुनाई नहीं दिया, सच्चाई यही है। लेकिन सर मैंने अपनी आंखों से देखा था। शब्द सुनाई नहीं दिए लेकिन दिखाई दिया। उनके बीच की बातचीत सुनाई नहीं दी लेकिन इन्हें दिखाई दिया। उस मोटरसाइकिल से निकलने वाली आवाज से रामचंद्रन के द्वारा किया गया चैलेंज इन्हें सुनाई नहीं दिया। और इतना ही नहीं, जो हादसा हुआ था उससे आप 500 मीटर की दूरी पर खड़े थे। नहीं, मैं 100 मीटर की दूरी पर था। मेजर पुरी ने भी आपसे यही बात कही है कि 100 मीटर की दूरी पर थे। आपने नापा था क्या? बताइए सर, आपने माप कर देखा? नहीं। लेकिन मैंने माप कर देखा है, एग्जैक्टली 510 मीटर की दूरी पर आप खड़े हुए थे। स्पॉट से इतना दूर खड़े होने की वजह से आपको न ठीक से दिखाई दिया होगा और न ही सुनाई दिया होगा। इसीलिए रामचंद्र ने चैलेंज किया या नहीं ये बात आप निश्चित बता नहीं सकते हैं। सर, कैप्टन रॉय गवाह को जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर आने वाले ऑफिसर्स को रामचंद्रन जानता है, ये बात वो खुद कबूल कर चुका है, फिर ये चैलेंज की बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? मेरे किए हुए सवालों को बीच में काटना या फिर सवाल कैसे करना है ये बात मुझे सिखाने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये अधिकार सिर्फ प्रेसाइडिंग ऑफिसर को ही प्राप्त है। कैप्टन रॉय, यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। और एक बात है, वहां पर रामचंद्रन का चैलेंज सुनने वाला कोई और था जो सुनकर वहां से निकल गया हो? कैप्टन रॉय, इस तरह के सवाल करके आप केस को सुलझाने के बजाय उलझाने की कोशिश करके कोर्ट का वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? उस रात को रामचंद्रन ने उन ऑफिसर्स को चैलेंज किया, ये बात आप कैसे जानते हैं? इन्होंने पासवर्ड पूछा, ऐसा कोई गवाह है आपके पास? मेजर अजय पुरी, यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ। जब गवाह को सुनाई ही नहीं दिया तो वो बोलेगा क्या? यू आर ट्राइंग टू कंफ्यूज द विटनेस। सर, मैं इस कोर्ट से दरखास्त करूंगा, उस रात जहां ये हादसा हुआ था वहां हमें चलना चाहिए। जहां सूबेदार खड़ा था वहां जजेस खड़े होंगे, और जब कोई मोटरसाइकिल वहां से गार्ड हाउस की तरफ बढ़ेगी और गार्ड चैलेंज करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि सुनाई देता है या नहीं। पक्का सुनाई नहीं देगा, मैं यकीन से कह सकता हूं किसी को सुनाई नहीं देगा। पर यह सब जानने से फायदा क्या हुआ? रामचंद्रन ने गोली नहीं चलाई, ऐसा हो सकता है क्या? सर, रामचंद्रन ने गोली नहीं चलाई ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो उसने खुद कबूल कर लिया है। तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है? अगर गार्ड चैलेंज करता है और कोई उसकी बात नहीं मानता है तो उस पर गोली चलाना किसी भी गार्ड के अधिकार क्षेत्र में है। ये सैनिकों के रूल बुक्स में है और मैं तो बस याद दिला रहा हूं। कैप्टन विकास रॉय। सर, डोंट ट्राई टू टीच द कोर्ट द आर्मी लॉ। आई एम सॉरी सर। तुम मुझे नियम सिखा रहे हो? मुझे? सर, यस, एक्चुअली ही इज राइट सर। इस कोर्ट में कोई खुसर फुसर या गैर कानूनी नहीं होगा, इसमें जो भी लिखा है वो खुलकर पढ़ो। सर, गार्ड के चैलेंज देने के बावजूद कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता है तो आर्मी लॉ के अनुसार उसे गोली चलाने का अधिकार है। इट इज हिज ड्यूटी टू ओपन फायर एंड किल। सर, इस नियम को सभी जानते हैं लेकिन ये नियम सिर्फ वॉर के समय लागू होता है। सर, डोंट टॉक रबिश। वो फिर चाहे वॉर का समय हो या परिवार का समय, रूल्स नहीं बदलते हैं। अ लॉ इज अ लॉ, वॉर और नो वॉर। सर, गवाह के मुताबिक कोर्ट का वक्त जाया करना ठीक नहीं है। डिफेंस काउंसिल केस को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ये गुनाह मैंने किया है और गोली मैंने चलाई है ये सवार रामचंद्र खुद कबूल कर चुका है। सर, उसके बाद भी चैलेंज किया या नहीं इस बात का क्या मतलब है? जहां यह हादसा हुआ वहां सबको जाना है। ये कोर्ट मार्शल सच्चाई जानने के लिए है, सच्चाई छुपाने के लिए नहीं है। हादसे की जगह पर कोर्ट जाएगी, कोर्ट विल गो टू द स्पॉट।
उसने ऑफिसर को चैलेंज दिया था या नहीं, पासवर्ड दिखाया था या नहीं, आईडी कार्ड दिखाया था या नहीं, हम कैसे जाने? मिस्टर जज एडवोकेट, चाहे कुछ भी हो जाए, रामचंद्रन को फांसी तो होगी, ये बात तय है। लेकिन सर। लेकिन क्या? हाँ, इस कोर्ट का प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है, तुम हो या मैं हूं? कैप्टन रॉय। यस सर। जिस जगह रात में यह हादसा हुआ उस जगह पर यह कोर्ट जरूर जाएगी और वहां 9 बजे जाकर सब कुछ चेक करेगी। रामचंद्रन ने चैलेंज किया या नहीं किया ये कल पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो रामचंद्रन को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। कोर्ट को घटनास्थल पर ले जाकर सच्चाई जानना और आप लोगों का वक्त जाया करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। रामचंद्रन के बारे में कोई और जानकारी मिल सकती है इसके बारे में? रामचंद्रन। सर। रामचंद्रन, तुमने उस ऑफिसर को चैलेंज किया था क्या? चैलेंज किए बिना ही मैंने गोली चलाई थी सर। हाँ, the court may note that Ramchandra has confessed it. He fired without challenging. Sit down, Captain B.D. Kapoor. Who has given right you to interfere? Sit down. Sit down, Ramchandran. Sir. You may proceed, Captain Roy. रामचंद्रन को फांसी पर चढ़ाने के लिए आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे भी पूछताछ करूंगा और आपको इसका जवाब देना होगा। सर, चैलेंज किए बिना रामचंद्रन ने गोली चलाई ये बात उसने खुद कबूल की है। अब मुझे उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल बाकी है, किस लिए मारा? सच्चाई किसी अंधेरे कोने में छुपी बैठी है, गौर से देखना होगा। Why did he kill? Thank you, sir. सूबेदार बलवंत सिंह। सर, अब आप जा सकते हैं। सर। The court will now recess. 10 minutes break. Captain Roy. Yes, sir. चैलेंज किए बिना रामचंद्र ने गोली चलाई फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इस व्यवहार से आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है? सर, अगर मैं किसी टेक्निकल रीजन के जरिए भी उसे बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं उसे बचा नहीं सकता। What do you mean? गोली उसने चलाई ये बात तो सभी जानते हैं। और इसने ये बात कबूल भी कर लिया है कोर्ट के सामने। सवाल ये नहीं है उसने गोली आखिर चलाई क्यों, ये बात जानना मेरे लिए जरूरी है। डोंट यू वॉन्ट टू सेव हिम? नो सर, रामचंद्रन को बचाने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं। आई एम सॉरी, उसे तो अब कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन उसे माफी दी जा सकती है। सर, रामचंद्रन से ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी शख्स को बचाने की कोशिश करना और वो मैं कर रहा हूं। सच उजागर होगा। आप कौन हो, वकील हो या सत्य की मूर्ति हो? मैं सच की आत्मा को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूं। हंटर ऑफ द सोल। हंटर ऑफ द सोल? What kind of language is it and what the hell does it mean? मैं कहूंगा भी तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे सर। Okay. Thanks a lot. You can go, Mr. Hunter of the Soul. Thank you, sir. Sir. Yes. विकास से संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि वो हर बात पर कोई वजह निकालकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन आर्मी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सवार ने अपने जनरल ऑफिसर का खून किया है। वैसे रामचंद्रन को तो सजा मिलेगी लेकिन विकास उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई तो वजह होगी ऐसा मुझे शक है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा सर। यस, ही इज राइट एंड ट्रुथ। ही इज द हंटर ऑफ द सोल। इसके पीछे उद्देश्य क्या है यह समझना जरूरी सर, है। सर,
यस, कहो। रामचंद्रन को बचाने से ज्यादा इसके पीछे जो चेहरा है उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, यही उसका उद्देश्य है। He never loses his quietness. Yes, he is a smiling tiger. I agree. Please. Sir. रामचंद्रन बचेगा नहीं, उसको फांसी तय है। ये जो विपक्ष का वकील है किसी की बात नहीं सुनता, बहुत तेज है ये। लेकिन इस बहस की वजह से रामचंद्र को छोड़ भी दिया जा सकता है। कैप्टन विकास यही तो कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा कैसे? बिना चैलेंज के किसी पर गोली चला दे तो क्या वह बच जाएगा? उस सूबेदार को देखा ना, पूरा पानी पानी हो गया। मुझे लगता है सारे ऑफिसर्स अपने अपने काम के चक्कर में दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता। दोस्तों, सच्चाई जो भी हो, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। न जाने क्यों, लेकिन मुझे उस लॉयर पर शक हो रहा है। जरूर ये लोग मिलकर कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। ऐसा मत बोलो तुम, कैप्टन विकास राय को देखा है ना, वो सबको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये तुमने ठीक कहा, मैं इस बात को मानता हूँ। सिट डाउन रामचंद्रन। सर। मेजर अजय पुरी। सर। यू मे कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। सर। सर, अगले गवाह कैप्टन बीडी कपूर को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं। कैप्टन बीडी कपूर। सर। कैप्टन बीडी कपूर, क्या आपने कभी सवार रामचंद्रन के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? नो सर। हादसे की रात को रामचंद्रन ने आपको चैलेंज किया था? नो सर। फिर? He opened fire without challenging. मुझे और कुछ नहीं पूछना है। कैप्टन विकास रॉय। सर। यू मे स्टार्ट नाउ। सर, इस वक्त मुझे कैप्टन कपूर से कुछ भी नहीं पूछना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इनसे पूछताछ की इजाजत चाहूंगा। ऑल राइट। थैंक यू सर। कैप्टन बीडी कपूर, यू कैन गो बैक टू योर सीट। मेजर अजय पुरी। सर। कॉल योर नेक्स्ट विटनेस। सर, इस केस का अगला गवाह है इसी रेजिमेंट के कैप्टन डॉक्टर गुप्ता। कैप्टन डॉक्टर गुप्ता। सर। डॉक्टर गुप्ता, जिस दिन यह हादसा हुआ उस रात को उस वक्त आप कहां पर थे? कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीडी कपूर अपनी मोटरसाइकिल से मेरे हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए थे। और वो जैसे ही बाहर निकले मुझे एक गोली की आवाज सुनाई दी। जब आप वहां गए तो आपने वहां क्या देखा? कैप्टन वर्मा जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने इलाज शुरू किया बट ही वॉज डेड। बाईं तरफ गोली लगने से उनका बहुत खून बह चुका था, इसीलिए उनकी मौत वहीं जगह पर हो गई। उनका पल्स बहुत वीक हो चुका था। मैंने अपने शर्ट से उनके खून को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो। रामचंद्रन उस वक्त कहाँ था? रामचंद्रन को तो 5 जवानों ने पकड़ कर रखा था सर। अपनी सारी ताकत लगाकर उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था मुझे छोड़ो, मैं कैप्टन कपूर को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में फोन किया और वहां से 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में डाल दिया, मैं भी उनके साथ था।
एम्बुलेंस में उनका सर मेरी गोद में था और वो बहुत तड़प रहे थे। काफी खून बह चुका था। मैंने खून रोकने की कोशिश की लेकिन बहुत खून बह गया। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे हम उन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर्जन कर्नल जोशी वहां थे और अगर मैं वक्त पर मदद नहीं करता तो वो कैप्टन कपूर मर चुके होते। कैप्टन कपूर का ऑपरेशन क्या तुरंत हुआ था? नहीं, मैंने उनको ब्लड दिया। पता है मेरा ब्लड ग्रुप और उनका ब्लड ग्रुप एक ही है। आई गेव ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। ऑपरेशन सक्सेसफुल था। उसके बाद कर्नल जोशी हेडक्वार्टर्स चले गए फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एंड सेविंग द लाइफ ऑफ अनदर ऑफिसर। थैंक्स डॉक्टर गुप्ता। सर नो मोर क्वेश्चंस। ओके थैंक यू सर। यू मे प्रोसीड कैप्टन रॉय। यस सर। डॉक्टर गुप्ता आपने जनरल मेडिसिन की पढ़ाई कहां से की है? आर्म्ड सर्विसेज मेडिकल कॉलेज पुणे। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मुझे छोड़ो मुझे कैप्टन कपूर को मारना है ऐसा रामचंद्रन का चीखना आपने ठीक से सुना? यस आई हर्ड इट। गुड। इस तरह से वो क्यों चीख रहा था? उस रात ये पागल हो गया था क्या? कैप्टन विकास रॉय इट इज फिगर ऑफ स्पीच। ये सब मुआयना करने के बाद ही पता चल सकता है। उस दिन रामचंद्र का स्वभाव पूरी तरह से बदला हुआ था और वैसे सूबेदार को जैसे कंफ्यूज करने की कोशिश की अगर वही मेरे साथ कर रहे हो देन यू आर मिस्टेकन। आई एम नॉट सूबेदार बलवंत सिंह। सॉरी एक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ मुझे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलिए जाने दीजिए। कैप्टन गुप्ता लगभग 5 महीने पहले सवार रामचंद्रन को आर्मी हॉस्पिटल में किस लिए एडमिट किया गया था? रामचंद्रन को टाइफाइड हुआ था। मैंने ही तो हॉस्पिटल में रेफर किया था। रामचंद्रन को टाइफाइड हुआ था ये आपको कैसे पता चला? कोई मेडिकल रिपोर्ट रामचंद्रन ने आपको दी थी? नहीं रिपोर्ट तो नहीं दी थी। तो फिर आपको ये कैसे पता चला? उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयरफोर्स के साथ हॉकी मैच था। खेल शुरू होने से 10 मिनट पहले रामचंद्रन को चक्कर आ गया। उसे तेज बुखार था। कितना डिग्री था इनका टेम्परेचर? 100 के ऊपर। मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुलवाया। टाइफाइड होगा ऐसा मेरा अंदाजा था और एक टेस्ट होने के बाद मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। ग्रेट मतलब आपसे कभी कोई गलती नहीं होती। आप तो एक गोल्ड मेडलिस्ट है ना? यस यस यू आर राइट कैप्टन रॉय। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ था। 10 मिनट के बाद रामचंद्रन बेहोश होकर गिर पड़ा। इस 10 मिनट में टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है क्या? नहीं लेकिन टाइफाइड में टेम्परेचर बढ़ जाता है मलेरिया की तरह। इसका मतलब मैच शुरू होने से पहले रामचंद्रन ड्यूटी पर था है ना? आई रिपीट माई क्वेश्चन। रामचंद्रन मैच शुरू होने से पहले बिल्कुल ही स्वस्थ था यह बात आप जानते हैं? आई रिपीट रामचंद्रन मैच शुरू होने से पहले बिल्कुल स्वस्थ था यह बात आप जानते हैं या नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूं? खेल शुरू होने से पहले थर्मामीटर से सबका टेम्परेचर चेक करते हैं क्या? इसका मतलब थर्मामीटर से बिना नापे टेम्परेचर कितना है यह बता पाना मुश्किल है। नहीं लेकिन पल्स से बता सकते हैं। पर सही जानकारी के लिए थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। सॉरी आपसे किसने कहा उठने के लिए? मुझे अभी आपसे और कुछ सवाल करने हैं प्लीज। आई थॉट यू आर फिनिश्ड। जिस दिन मैच था उस दिन रामचंद्रन ने रिपोर्ट आपके पास लेकर आया था क्या? यस yes. कितने बजे आया था? रिपोर्ट मिलने के वक्त करीब 9 बज रहे थे। सिक रिपोर्ट देने का वक्त मैंने आपसे नहीं पूछा। रामचंद्रन आपसे कितने बजे मिला वो टाइम पूछा? मुझे याद नहीं। हवलदार राज सिंह के साथ 2 और लोग रामचंद्रन को आपके पास लेकर आए थे। वो लोग उसके साथ ही थे
इसलिए आप ठीक से याद करके बताइए वक्त क्या था। मैंने कहा ना कुछ याद नहीं। सही वक्त याद रखने वाला एक आदमी तो है, हवलदार राज सिंह। कोर्ट की इजाजत हो तो मैं उस गवाह को यहां बुलाना चाहूंगा। सर, गवाह पेश करने से पहले टाइम दिया जाता है। आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। एक बात और पूछता हूं, मैच शुरू होने से पहले या मैच खत्म होने के बाद रामचंद्रन आपसे मिला था क्या? कम से कम यह बात तो आपको याद होनी चाहिए। डोंट बी डम कैप्टन गुप्ता। ओके। जब रामचंद्रन को आपके पास उठाकर लाया गया था उस वक्त आपके बगल में और कौन था? आई टोल्ड यू डोंट बी डम। स्पीक आउट डॉक्टर गुप्ता। उस वक्त मेरे साथ कैप्टन कपूर थे। रामचंद्रन का टेम्परेचर थर्मामीटर से ही नापा गया था ना? कैप्टन गुप्ता, अगर आप जवाब नहीं देंगे और ये सोच रहे कि आप बच जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आई एम वार्निंग यू, आर्मी एक्ट 39 के तहत आप पर भी केस बनाया जा सकता है। डॉक्टर गुप्ता, योर बिहेवियर इज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। सर, ये सैनिक लोग इस तरह की बीमारी लेकर नहीं आते, इसलिए मैं थर्मामीटर नहीं रखता। ये सैनिक किसे कहते हैं बताएंगे? सर, सैनिक असल में जवान को ही कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप मुझे इस तरह सर कहकर क्यों बुला रहे हैं? हमारा रैंक तो एक ही है ना। स्पीक आउट कैप्टन गुप्ता। जब हमारा देश गुलाम था तब वो अंग्रेज हमारे भारतीय सैनिकों को सैनिश कहकर पुकारते थे। सैनिश शब्द का इस्तेमाल काफी अपमानजनक है, और अगर जवानों को सैनिश कहकर पुकारने की आपकी इच्छा है तो रोकने वाला मैं कौन होता हूं। मुझे एक और शक है, आप डॉक्टर हैं या फिर भगवान? What do you mean? पल्स चेक किए बिना, थर्मामीटर से चेक किए बिना सैनिश रामचंद्रन सबसे झूठ बोल रहा है, ये आपको कैसे पता चल गया? अगर ये सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर है तब तो फिर आप भगवान हुए ना। आपको कह सकता हूं भगवान गुप्ता। ना मैंने पल्स चेक की ना थर्मामीटर था। कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा कि ये रामचंद्रन जैसे लोग ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं। आप दोनों में डॉक्टर कौन है, कैप्टन कपूर या फिर आप? You should have certified as a doctor. What is wrong? What is wrong in trusting a fellow officer? कुछ भी गलत नहीं है। कैप्टन कपूर के कहने पर आपने थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं किया ये मैं जानता हूं, पर आप ये साबित कर सकते हैं? कैप्टन कपूर ने रामचंद्रन के लिए जो इंग्लिश में गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था वो मैं जानता हूं, बताइए क्या शब्द था वो? How do you know that? I know that. हवलदार राज सिंह को बुलाता हूं। भले ही उसे इंग्लिश की जानकारी नहीं है लेकिन आपने इंग्लिश में जो कुछ भी कहा था वो जानता है। बुलाऊं उसे? Now tell me. कैप्टन कपूर ने क्या बुलाया था उसे? The bastard is lying. There is nothing wrong with him. ऐसा कहा था। उन्होंने कहा bastard रामचंद्रन को उस बीमारी से मरने दो, यही ना? I really wish you best of luck. मान लेते हैं You are great Dr. Gupta. Your service is very valuable. Great. Actually You deserve the gold medal. Now, I have finished.
वहां बैठे क्यों हैं? आप जा सकते हैं सर। अभी सवाल कहां खत्म हुए? कम हियर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट। सिविल में कोई काम होगा तो जाइए ढूंढ लीजिएगा। एंड फॉरगेट अबाउट दिस जॉब। The court will go for 10 minutes break. तुम्हारे हाथ को कुछ हो गया क्या? नहीं सर। तो सीनियर ऑफिसर को सैल्यूट करना नहीं आता तुम्हें? आता है सर। मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया? मेरा मन नहीं किया सर। इट्स अ क्रॉस इन डिसिप्लिन यू नो। पता है लेकिन आपको सैल्यूट करने का मन नहीं किया। यू ब्लडी सर। क्या हो रहा है यहां पर? नथिंग कैप्टन रॉय, नथिंग प्लीज। जस्ट वन सेकेंड। यस। इफ यू डोंट माइंड प्लीज ड्रॉप इन एट माई हाउस टूडे। वो किस लिए? We will have some drinks together. Sorry, मैं पीता नहीं हूँ। Oh, okay. Then we will have some other fun. Please come today. मैं मुजरिमों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। Oh, मैं मुजरिम? वो कैसे? एक तो गोली मुझे लगी, तो फिर मैं मुजरिम कैसे हो सकता हूँ? Mr. विकास रॉय, आप भी एक ऑफिसर हैं। दूसरे ऑफिसर से कैसे पेश आते हैं आपको पता नहीं है क्या? कैप्टन कपूर, दोबारा मुझसे इस तरह की बातें मत कीजिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। I am the defense counsel. तुम्हारे जैसे कई ऑफिसर्स देखे हैं मैंने। जरूर देखा होगा, लेकिन मेरी गिनती उनमें मत करना। पुरानी कहावत है, शेर के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए और दुश्मनी भी सोच समझ कर करनी चाहिए। ओके। Sit down, Ramchandran. Sir. Major Ajaypuri, you may call your next witness. Sir, my next witness, Lieutenant Colonel Vijender Rawat. Lieutenant Colonel Brijender Rawat. Sir. Sir, सारे ऑफिसर्स को बताइए, क्या रामचंद्रन का व्यवहार आपके साथ बुरा था? नहीं। रामचंद्र का ऑफिसर्स के साथ रिकॉर्ड कैसे हैं? एक्सीलेंट, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर, दैट्स ऑल सर। कैप्टन रॉय, यू कैन प्रोसीड। यस सर। सर, अभी आपने कहा रामचंद्रन की दोनों ऑफिसर्स के साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। यस, आई सेड दैट। तो फिर इन्होंने उन पर गोली क्यों चलाई? ये मुझे कैसे पता होगा? तो आप कुछ भी नहीं जानते। कितना साफ दिल है आपका। बच्चे की तरह साफ है, एकदम पवित्र है, ट्रूली इनोसेंट। कैप्टन, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? नो, ऑफ कोर्स नो। मैं क्यों भला आप पर इल्जाम लगाऊंगा? लेकिन इसमें कुछ तो जरूर है। But something is rotten in the state of Denmark. Captain Vikas Roy, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? Sir, रामचंद्रन की confidential report देखी है मैंने। उनको A+ दिया गया है। वो किस लिए दिया गया? इनमें ऐसी क्या सच्चाई देखी है आपने? रामचंद्रन हमारी रेजिमेंट का सबसे अच्छा जवान है। वो हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। He is an ideal soldier. कैप्टन कपूर ने कभी भी इनके खिलाफ कोई शिकायत की है? रामचंद्रन के खिलाफ अभी तक किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की है। ओके।
मार्च की 7 तारीख को परेड ग्राउंड में जाते समय क्या हुआ था? क्या होगा, परेड होगी और क्या। ओके, आपने वहां पर ऐसा कुछ देखा था क्या? आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला सकता हूं। कैप्टन कपूर ने उस दिन रामचंद्रन को एक सजा दी थी सल्यूट मारने की 100 बार। ओह यस यस, मुझे याद आया। गोल्फ ग्राउंड के पास सारे जवान सावधान की मुद्रा में खड़े थे, तभी मैंने देखा कि वहां पर एक जवान उन सब से अलग खड़ा था। मैंने सोचा कि वो आखिर परेड क्यों नहीं कर रहा है, और इसलिए मैं सीधा उस जवान के पास पहुंचा। मैंने देखा कि रामचंद्रन अपने सीनियर ऑफिसर को ये रामचंद्र बार बार सैल्यूट मार रहा था। वहां के सूबेदार ने मुझे बताया कि इसे पनिशमेंट मिली है। कैप्टन कपूर ने रामचंद्रन को पूरे 100 बार सैल्यूट मारने की पनिशमेंट उस दिन दी थी। उस वक्त आपने उनसे पूछा नहीं कि किस बात की उन्हें ये सजा दी जा रही है, क्यों? देखिए, मुझे अपने ऑफिसर्स पर पूरी तरीके से विश्वास है। रामचंद्र ने जरूर कोई गलती की होगी, इसीलिए कैप्टन कपूर ने उसको सजा दी। एक ऑफिसर के पास पनिशमेंट देने का अधिकार होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब रामचंद्रन जैसा ऑफिसर सैल्यूट करता है तो बड़े ऑफिसर को भी जवाब में सैल्यूट करना होता है, ये बात कैप्टन कपूर को पता नहीं है क्या? He should have done that. Why should I tell him? Don't you know that, Captain? मुझे नहीं पता, I'm sorry. आपने सवार रामचंद्रन को 2 लीटर दूध और 2 गुना बादाम खाने को क्यों कहा था? रेसिंग डे के दिन रामचंद्रन 5000 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आया था। उसकी टाइमिंग देखकर मैं हैरान रह गया। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा था। ये रिकॉर्ड रामचंद्र तोड़ सकता है, मुझे इस बात का विश्वास था। इसीलिए मैंने उसे बादाम और एक्स्ट्रा दूध की डाइट लगवाई थी, ताकि नेक्स्ट टाइम रेस में रामचंद्रन जीत सके और सेना के रिकॉर्ड की बराबरी कर सके। कभी भी सैनिक रिकॉर्ड इसकी वजह से खराब हुआ था क्या? एशियन रिकॉर्ड को तोड़ने की रामचंद्रन पूरी कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली यह हादसा हो गया। नहीं तो हमारी रेजिमेंट का रामचंद्रन आने वाली रेस प्रतियोगिता में जरूर एक रिकॉर्ड कायम करता और एशियन गोल्ड मेडल जीत कर लाता। वेरी गुड। एक और सवाल है, रामचंद्रन से पहले रेजिमेंट में 5000 मीटर की दौड़ में जीतने वाला कौन था? आपके सवाल का क्या मतलब है? रावत, यू हैव नो राइट टू आर्ग्यू, आंसर हिम। सर, रामचंद्रन से पहले 5000 मीटर दौड़ जीतने वाला हमारे रेजिमेंट का ऑफिसर कैप्टन कपूर था। कैप्टन कपूर इस रेस में आखिर कैसे हार गए? ये मुझे कैसे पता होगा? दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। मेरे सवाल का मतलब शायद आप समझे नहीं। इस रेस में कैप्टन कपूर को हराने वाला सवार रामचंद्रन था। द आंसर इज एज सिंपल एज दैट। सर, कैप्टन रॉय कोर्ट का ध्यान भटकाने के लिए यह सवाल पूछ रहे हैं। इस कोर्ट मार्शल में इतने सारे सवालों का कोई संबंध ही नहीं है। सर, संबंध है मेजर अजय पुरी, और इस संबंध को मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं कुछ समझा नहीं। समझेंगे आप भी, और यहाँ बैठे हुए लोग भी समझेंगे, ये भी आप देख लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो भी यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के फायदे और नुकसान के लिए मुझे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं जब सवाल करूंगा तो बीच में दखल अंदाजी मत कीजिएगा, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। सर, ही इज नॉट अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब और आप इतना क्यों डर रहे हैं भला? कैप्टन, मैं किसी से नहीं डरता। डर रहे हैं, आपका डर आपके चेहरे पर है, और आपकी आत्मा भी ये बात अच्छे से जानती है। इस कोर्ट मार्शल में आत्मा और परमात्मा का क्या काम है? कैप्टन कपूर की पत्नी इस वक्त कहां है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कैप्टन कपूर से पूछिए। मैं बताता हूं। सर, यहां किसी के पर्सनल मैटर के बारे में बात करना और किसी को अपमानित करने का अधिकार डिफेंस काउंसिल के पास नहीं है। यहां किसी का कोई अपमान नहीं होगा, यहां कोई अखबार वाला नहीं बैठा है। द होल प्रोसीडिंग इज इन कैमरा। सैनिक और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं रखा जा सकता। जब कोई विदेशी ऑफिसर हमारे यहां आता है तो कमांडिंग ऑफिसर उनका स्वागत करते हैं। अगर उन्हें किसी ने बेइज्जत किया तो उनकी हिफाजत करना भी कमांडिंग ऑफिसर का ही काम है। देयर इज नो सच थिंग सच एज ऑफ पर्सनल लाइफ इन द आर्मी। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू कैप्टन रॉय। थैंक यू सर। मिसेस कपूर कैप्टन कपूर के साथ नहीं रहती हैं, क्या वजह है? इस सवाल का इस केस के साथ क्या लेना देना है?
क्या ये कैप्टन कपूर से पूछने वाला सवाल है? सर, आई वुड लाइक टू रिकॉल द कमेंट मेड बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर जस्ट अ व्हाइल अगो। रेजिमेंट ऑफिसर्स के परिवार की सुरक्षा भी कमांडिंग ऑफिसर्स का काम है, सो आई विल हैव टू आस्क हिम। अगर आपको याद है तो हमें बताइए। इस कोर्ट मार्शल होने के लगभग एक महीने पहले की बात है, कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे आकर नहीं मिली थी, आपके ऑफिस में भी आई थी और आपसे शिकायत भी किया था उन्होंने। आपने क्या एक्शन लिया? आपको कैसे पता कि वो मुझसे आकर मिली थी? आप कोई ज्योतिष हैं क्या? या फिर आप भविष्यवक्ता हैं? इसके लिए ज्योतिष होना जरूरी नहीं है। मिसेस कपूर इस वक्त अपने माता पिता के साथ दिल्ली में है, मैं उनसे मिला था। उन्होंने जो शिकायत की थी उसकी कॉपी मेरे पास भी है। सर, इस केस को कैप्टन रॉय दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर के खिलाफ नहीं है बल्कि सवार रामचंद्र के खिलाफ है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेजर पुरी, आप बीच में इस तरह बातों को नहीं काट सकते। कैप्टन रॉय, कंटिन्यू। थैंक यू अगेन सर। कैप्टन कपूर की पत्नी के बारे में और उनकी शिकायत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब इनसे मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं। एक रात कैप्टन कपूर नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचे। ही वॉज डेड ड्रंक। इनकी पत्नी बहुत डर गई थी और उन्होंने उठते हुए डर कर कहा, डोंट टच मी, यू आर स्टिंकिंग ड्रंक, और वो चीखने लगी। लेकिन कैप्टन कपूर ने, जो उस वक्त पूरी तरह नशे में थे, अपनी पत्नी के नाइट गाउन को खींच कर कहा, आई हैव द लाइसेंस टू स्लीप विद यू, ऐसा कहकर उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसने भी हार नहीं मानी, कहा, कमांडिंग ऑफिसर से मैं शिकायत करूंगी और मैं तुम्हारे मुंह पर भी थूकूंगी। देश की रक्षा करने वाला कैप्टन क्या एक औरत के साथ इस तरह से? क्या एक औरत के साथ कभी इस तरह से बदतमीजी और दुर्व्यवहार कर सकता है? ये कहकर उन्होंने मेज से एस्ट्रे उठाई और उन पर वार कर दिया। उनके सर पर चोट आई और वो बेहोश हो गए। उनकी पत्नी के अंदर इतनी शक्ति मौजूद है, कैप्टन कपूर ने कभी ये बात सोची भी न होगी। इसका मतलब कैप्टन विकास रॉय, क्या आप वहां पर मौजूद थे? आई थिंक यू आर क्रॉसिंग द लिमिट मिस्टर रॉय। हाउ डू यू नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट? मैं उस रात वहां पर नहीं था, लेकिन एक दूसरा आदमी वहां पर जरूर था और उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा। कौन है वो? रामचंद्रन। ये वहां कैसे पहुंचा? उस वक्त रामचंद्रन वहां पर कैप्टन कपूर का सिपाही था। शुड आई बिलीव दैट? न तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत है और न रामचंद्रन को। इस कॉपी में जो लिखा है वो गलत नहीं है। मिसेस कपूर ने कमांडिंग ऑफिसर को जो कंप्लेन दी थी ये उसकी कॉपी है। इसमें इनकी बीवी का कहना है उनका पति सैडिस्ट है और जानवरों की तरह व्यवहार करता है। इसमें उनके डिवोर्स पिटीशन भी फाइल किए हुए हैं। लेकिन मिस्टर कपूर ने मुझसे कहा था कि मिसेस कपूर बाथरूम में गिर गई थी, पैर फिसलने की वजह से चोट लगी। ठीक है सर, हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अक्सर बीवियों के ही पैर फिसलते हैं, पतियों के पैर कभी नहीं फिसलते। घर में सिर्फ औरतों के साथ ही ऐसा होता है, खास करके बहू और बेटियों के साथ, लेकिन अपनी बेटी के साथ कभी नहीं। उनको कभी आंच भी नहीं आती। तो इस बात के लिए कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? सिविल पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि रेजिमेंट में सारे ऑफिसर्स आपस में मिले होते हैं और इसीलिए रेजिमेंट के डर से उसने कोर्ट में यह पिटीशन फाइल की है। लेकिन इस बात का कोई सबूत है क्या? है सर, सबूत है। कोर्ट की इजाजत हो तो इस केस को नजरअंदाज करने वाले ऑफिसर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी मैं यहां बुला सकता हूं। विकास रॉय, तुम एक नक्सलाइट हो, तुम्हारे परिवार के लोग नक्सलाइट थे, पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया था, तुम्हारी रगों में वही खून दौड़ रहा है। यू आर अ ब्लडी नक्सलाइट, यू आर अ ब्लडी मर्डरर, यू बिलोंग टू फैमिली ऑफ द मर्डरर्स। सिट डाउन। नो, आई वोंट। सिट डाउन कैप्टन बीडी कपूर। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, इस आदमी को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। I said sit down. Sir, please sit down. मुझे छूना मत. Guards, take him. Don't you dare to touch me, bloody rascal. Guards, I'm telling you, take him and make him sit there. Guards, sir, stay inside. Captain Kapoor, stop your rubbish play in this court. Captain Kapoor, मेरी बिरादरी के विमल रॉय जनता की आजादी के लिए हथियार लेकर लड़ने वाले इंसान थे, and he was called a Naxalite.
हथियार उठाने वाला इंसान कभी साधारण मौत नहीं मरता है, वो एक अलग नियम है। लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने वालों में से हूं। मेरे पिताजी आशुतोष रॉय हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे। कैप्टन कपूर शायद ये बात भूल रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही मुझे आर्म फोर्स में एंट्री मिल पाई है। कैप्टन कपूर को यह बात याद रखनी चाहिए और यू विल हैव टू फेस वेरी टफ कॉन्सिक्वेंसेस। सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट। कैप्टन कपूर ने गुस्से में भी जो भी किया उसे कोर्ट नजरअंदाज कर दे, क्योंकि ये भी एक इंसान है। आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। ओह रियली? अगर गुस्से में आकर कैप्टन कपूर ऐसा कर सकते हैं तो सवार रामचंद्रन ने भी गुस्से में ऐसा किया होगा, सही है ना मेजर पुरी? तो आप क्या एक खूनी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। गुस्सा सिर्फ ये बड़े ऑफिसर्स कर सकते हैं, ब्लडी सैनिकों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये इंसान अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने के लिए मजबूर है, तो सवार रामचंद्रन भी कैप्टन कपूर पर गोली चलाने के लिए मजबूर हो गया होगा, यही मेरे कहने का मतलब है। जब खुद अपनी ही जिंदगी मुसीबत में हो तो दूसरे पर रहम करना पाप है, और रामचंद्रन ने भी यही किया। After all, he is also a human being. उस दिन जब ये हादसा हुआ था, उस दिन दोनों ऑफिसर्स के पास कोई भी हथियार नहीं था। ये काउंसिल को याद रखना चाहिए, खंजर और चाकू तक उनके पास नहीं थे। छोटी सी सच्चाई को साबित करने के लिए किसी बड़े युद्ध की जरूरत नहीं है। आपके हर डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। सर, सुबेदार साहब से मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेंद्र रावत, यू कैन गो बैक टू योर सीट। थैंक यू सर। सुबेदार बलवंत सिंह। सर। आपको यहां बुलाने का मतलब आपको तकलीफ देना नहीं है। सुबेदार, आप एक पुल हैं। जवानों को, सीओ को इधर से उधर भेजना आपका काम है, सही है ना? सही है। हाँ, जब सीओ साहब ने रामचंद्रन को एक्स्ट्रा दूध और बादाम देने के लिए कहा था, तब रामचंद्रन का पोर्टफोलियो क्या था? कपूर का सिपाही था ना वो? नहीं सर। फिर जब 5000 मीटर की दौड़ में ये फर्स्ट आया था तो सीओ साहब ने एक्स्ट्रा डाइट देने को कहा था। उसके बाद ही ये कैप्टन कपूर के सिपाही बन के गए थे। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए ही ये एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा था? जी। तो फिर क्यों इसे कैप्टन कपूर का सिपाही बनाकर भेज दिया गया? कैप्टन कपूर ने ही इन्हें ऑर्डर दिया था। खेल के रूल रेगुलेशंस आपको तो पता है ना? पता है, और मैंने रूल रेगुलेशन फॉलो भी किए। तो फिर हुआ क्या, बोलिए, बताइए, सोचिए मत। कैप्टन कपूर ने कहा था कि सवार रामचंद्र की ट्रेनिंग में घर पे ही देख लूंगा, मैं भी उसके साथ दौड़ूंगा। अच्छी बात है। और उसके बाद से रामचंद्रन सुबह शाम वहां प्रैक्टिस के लिए आपके पास आया करता था क्या? हाँ आता था। महीने में कितने दिन आया करता था वो, बताइए सुबेदार साहब, कितने दिन आया करता था वो? छुपाइए मत, बताइए। महीने में सिर्फ एक या दो बार आता था। जरा जोर से बोलिए ताकि कोर्ट भी सुने। वो महीने में एक या दो बार आता था। एक्स्ट्रा अलाउंस का लाभ उठाकर प्रैक्टिस में नहीं जाना गलत है, आपको पता नहीं है? पता है सर। ओके, तो फिर रामचंद्रन के खिलाफ आपने कौन कौन से एक्शन लिए, बताइए। मैंने रामचंद्र से पूछा भी था। तो उसने क्या कहा? मुंह क्या देख रहे हो, बताओ। वो जब भी प्रैक्टिस के लिए आता था तब उसे कैप्टन कपूर घर का कोई ना कोई काम देके उसे रोक दिया करते थे। एक सैनिक एक कैप्टन का सिपाही बनकर रह रहा है। अच्छा, एक चपरासी को नियम के अनुसार क्या क्या काम करने चाहिए? रूल के मुताबिक यूनिफॉर्म आयरन करके तैयार करना, हथियार को ठीक करना, यही उसका काम होना चाहिए। ये रूल कमजोर सिपाहियों के लिए हैं। लेकिन यहां बदनसीबी से इनका इस्तेमाल होता है पर्सनल सर्वेंट की तरह। ऑफिसर्स के जूते पॉलिश करना, खाना पकाना, मेम साहब के कपड़े आयरन करना, बच्चों को स्कूल जाकर छोड़ना, और खास तौर से कहा जाए तो मेम साहब को हमेशा खुश रखना ही उनका मुख्य काम है। सही कह रहा हूं ना सुबेदार साहब? लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं सर। सही है, आप कभी इस पर ध्यान देते तब तो एक्शन लेते ना। लेकिन सर, नॉर्थ जोन चैंपियनशिप शुरू होने से पहले मैंने रामचंद्र की ड्यूटी चेंज करके प्रैक्टिस के लिए कहा था, और रामचंद्र कर भी रहा था। फिर सेवक की ड्यूटी से रामचंद्रन को हटाकर दूसरी जगह लगाने के बाद किसी ने तुम्हारे ऊपर दबाव डाला?
बताओ, सीओ को ऑर्डर मिला था ड्यूटी चेंज करने के लिए? नहीं सर। तो फिर? रामचंद्र बहुत परेशान था। किस तरह से परेशान था? बहुत ज्यादा परेशान। कैसी परेशानी बताओ? ये कोर्ट है, यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं। बताओ सूबेदार बलवंत सिंह, बताओ, डरो मत। रामचंद्र नीच जाति का है सर, इसलिए कैप्टन कपूर रामचंद्र को हमेशा हरिजन कहके पुकारते थे। हरिजन, ईश्वर का अपना जन, महात्मा गांधी का दिया हुआ नाम है, तो फिर ये बुरा कैसे हो सकता है? मेरा वो मतलब नहीं था सर, कैप्टन कपूर हर वक्त उसे गाली देते थे, वो भी सबके सामने। कैप्टन कपूर के दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा भी हमेशा गाली देते थे, रंडी की औलाद कहके बुलाते थे। वेरी बैड। ओके, फिर एक दिन कैप्टन कपूर के घर में कुछ मेहमान आए थे, उनमें एक बच्ची थी जिसने पैंट में पोटी कर दिया था। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को साफ करने के लिए कहा, लेकिन जब रामचंद्र ने मना कर दिया तो कैप्टन कपूर गाली देने लगे। बोलने लगे, तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे खानदान की पोटी साफ की है, चंडाल, भंगी, चमार, ऐसी गालियां देने लगे सबके सामने। हमेशा वो रामचंद्र को नीच कहके संबोधित करते थे, इसलिए मैंने रामचंद्र की ड्यूटी चेंज करने के लिए रिकमेंड किया था। और इतना ही नहीं, कैप्टन कपूर कभी कभी महात्मा गांधी और नेपोलियन को भी गाली देते थे, और यह भी कहते थे कि जब से हरिजन लोग सैनिक में भर्ती हुए हैं तब से सैनिक का स्तर नीचा होता जा रहा है। वो हमेशा ऐसी बातें करते थे। Atrocious behavior. सर, कैप्टन कपूर से कुछ पूछताछ करने की मुझे इजाजत दीजिए। सूबेदार बलवंत सिंह, यू कैन गो बैक। कैप्टन कपूर, सर, प्लीज कम टू द विटनेस स्टैंड। कैप्टन बी डी कपूर, ये मेडल्स आपको किस लिए मिले हैं? आई गॉट दिस मेडल्स फॉर द। इंग्लिश में बात करना छोड़कर हम अपनी भाषा में बात करें। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करता हूँ क्योंकि हिंदी मुझे आती नहीं है। सर, आई मे बी अलाउड टू स्पीक इन इंग्लिश। सॉरी कैप्टन कपूर, कोर्ट के नियमों को चुपचाप फॉलो कीजिए। कैप्टन, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? अमृतसर। क्वालिफिकेशन? बी ए पास। ओह, तो आप बी ए पास हैं, और जवानों के साथ आप इंग्लिश में बात करते हैं क्या? कभी भूल से अपनी भाषा बोल लेता हूं मैं। भूल से अपनी भाषा में बात करते हैं, यानी अपनी मातृभाषा में बात करने में आपको शर्म आती है, ऐसा कहिए ना। नेवर, ऑफिसर्स एक दूसरे से हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं, अंग्रेजों के जमाने से ऐसा होता आया है। अंग्रेजों का जमाना बीते काफी समय हो चुका है, फिर भी उसका हैंगओवर अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुआ। एनीवे, कैप्टन विकास रॉय, Let him speak in any language. Let him, sir. Captain B.D. Kapoor, सवार रामचंद्रन के खिलाफ कमांडिंग ऑफिसर्स के सामने आपने शिकायत क्यों की? क्या है कि हमारे घर में ऐसे लोगों को आने की इजाजत नहीं है, और नीच जात का सैनिक तो हमारे घर में बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छे खानदान के लोग हमेशा ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। आप बताएंगे अच्छे खानदान का मतलब क्या होता है? जिसके पास कल तक खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, और रहने के लिए जगह नहीं थी, ऐसे आदमी को अचानक से सब कुछ मिल जाए तो उसका दिमाग फिर ही जाता है, और खानदानी लोग हमेशा दिमाग काबू में रखते हैं। तो आप इतने बड़े खानदान में पैदा हुए हैं? चार पीढ़ियों से हमारे लोग इस देश पर राज करते आए हैं, बड़ी बड़ी सर्विसेज में काम किया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ICS, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हर जगह हमारे लोग सुपीरियर पोजीशन में हैं। हो, यू नो वन थिंग, वी आर द रूलिंग क्लास एंड
यू आर प्राउड ऑफ इट? ऑफ कोर्स आई एम. आपके पिताजी क्या करते थे? ही इज रिटायर्ड डीआईजी. आपका मतलब वो आईजी के काबिल नहीं थे? डीआईजी पोस्ट कम होता है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है. 5 बार वो सस्पेंड हो चुके थे और इसीलिए वो आईजी नहीं बन पाए. इसमें कोई बुराई नहीं है. सर, कैप्टन कपूर के खानदान को बेइज्जत करने का अधिकार किसी को नहीं है. किसी को बेइज्जत करने के लिए मैंने ये सवाल नहीं किया. किसी के अच्छे खानदान के बारे में जानने की बस कोशिश कर रहा हूं मैं. अब समझ में आ गया. मैं एक और अच्छे खानदान के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं. What's that? नागालैंड में एक आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा. याद है मुझे. इसमें क्या है? I suppress them. खानदान का नाम तो बच गया ना. ये बात कहने के लिए अगर आप जिंदा बचे हुए हैं तो सिर्फ एक आदमी की वजह से. शायद आप भूल रहे होंगे, मैं याद दिलाता हूं. सुखदेव. सुखदेव नाम के जवान को तो आप अच्छी तरह जानते हैं. आतंकवादियों ने जब आपके पूरे घर को घेर लिया था तब आप लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी सुखदेव ने. भूल गए? What's so great about this? He was just doing his duty. Oh, कितनी लापरवाही के साथ आप ये बात कह रहे हैं. सुखदेव ने अपनी बीवी को खो दिया और उनकी सिर्फ एक ही बच्ची थी. आपकी जान बचाने की कोशिश में उसकी जान चली गई. और फिर उसके बाद उसकी बेटी का क्या हुआ, एक बार भी आपने जानने की कोशिश की? कभी एक बार भी उनके घर पर जाकर आपने देखा? Come on, इस केस का उस हादसे से क्या संबंध है? संबंध है. आप एक अच्छे खानदान के बारे में बताने लगे तो मैंने सोचा मैं भी आपको बता दूं. आपको याद हो कि ना हो, लेकिन एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. उस सुखदेव की बेटी को अब भी जो पाल रहा है वो है रामचंद्रन. गोद ली हुई बेटी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह. आप शायद भूल रहे हैं, रामचंद्रन की ड्यूटी चेंज करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर को प्रेशर आपने दिया था. अब बताइए किसका खानदान अच्छा है, आपका या रामचंद्रन का? सर, इस बात का इस कोर्ट मार्शल से कोई मेल नहीं है. उस लड़की का इस केस से क्या मतलब है? ओके. आपका परिवार कुछ महीने से दिल्ली में है. आपके साथ नहीं है. आपका खाना पीना होटल में होता है? नहीं, मैं खाना घर पर ही खाता हूं. खाना बनाने के लिए घर पर बहुत सारे आदमी हैं. आपकी याददाश्त बस इतनी है मैं ये कह सकता हूं. लेकिन कुछ महीनों से आपका खान पान न तो किसी होटल में हो रहा है और न ही किसी घर में. आई एम श्योर अबाउट इट, कैप्टन बी डी कपूर. ठीक है, कुछ दिनों से मैं कैप्टन वर्मा के घर पे खाना खा रहा हूं. इज इट अ क्राइम? ये क्राइम नहीं है, लेकिन इस वक्त ये यहां पर क्राइम है. What do you mean? आपको तो फ्री राशन मिलता है ना? Yes, मिलता है. तो आप उसका क्या करते हैं? राशन मैं अपने सिपाहियों को दे देता हूं. लेकिन आप ऐसे ही नहीं देते. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपका मतलब क्या है? कुछ महीनों से आपको जो भी फ्री राशन मिल रहा है वो राशन बाजार के भंसारी लाल एंड संस के पास बेचा जा रहा है. आप उसे बेच रहे हैं ये सब. वहां तक ये सब ले जाने वाले नौकर और उस दुकानदार को मैं यहां हाजिर कर सकता हूं. अच्छे खानदान का असली चेहरा अब आपको पता चलेगा. दूसरे ऑफिसर्स भी ऐसा करते हैं. दूसरे ऑफिसर्स के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है. आपने बेचा या नहीं, सिर्फ इतना जवाब दीजिए. That's enough. I think the next court martial will be of Captain Kapoor. Captain Kapoor, 5,000 meter की दौड़ में जब से रामचंद्रन ने आपको हराया है उस वक्त से ही रामचंद्रन के साथ आपकी दुश्मनी शुरू हो गई है. दुश्मनी वो भी रामचंद्रन से? दुश्मनी हमेशा बराबरी वालों से की जाती है, नीची जात वालों से नहीं. आप रामचंद्रन को चंडाल या दलित कहकर हमेशा पुकारते थे ना? दलित को दलित नहीं कहेंगे तो क्या, पंडित कहकर बुलाएंगे. यू आर राइट, कैप्टन भिखारी दास कपूर. मेरा नाम बी डी कपूर है. आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका पूरा नाम पूरी तरह से दर्ज है, भिखारी दास कपूर. नो, I am B.D. Kapoor. Don't call me by any other name. जरूर आपके माता पिता को आपके पैदा होने से बहुत तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी एक बेटी हो.
आपके खानदान में उस वक्त एक अंधविश्वास था, तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होगा तो उसका बिल्कुल ही निकृष्ट नाम रखा जाएगा और उसी वजह से दान पर जीने वाला भिखारी नाम सामने आया। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा नाम भिखारी दास कपूर रखा और तुम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि तुम्हारा नाम है भिखारी दास कपूर। तुम इसे बदल नहीं सकते हो। Stop it! You should only call me P.D. कपूर। अगर एक दलित को दलित कहकर पुकारने में आपको अच्छा लगता है तो आपके असली नाम से आपको कोई भी पुकार सकता है, भिखारी दास कपूर। Stop it! Otherwise I will... Otherwise? आप मुझे मार डालेंगे जिस तरह से अपनी बीवी को मारा था आपने, भिखारी दास कपूर। I warn you, Captain, when you are threatening me, you are threatening the court. The you court bloody of law, bastard. Court of justice. I'll kill you. Leave me. I will kill him. I will kill this bastard. Leave me. I will kill him. Please. This is my order. Sir. Captain Vikas Roy, I will kill you. Captain Kapoor, put the gun down. No, I have to kill him. I repeat, put the bloody gun down. No, I have to shoot him. I have to shoot him. Guards. I will shoot you. I Captain, will shoot I him. Said put the gun down. No. Take him. Take the gun. Hurry up. Come here. Please, DJ. Bhupen, come here and remove the belt. Remove his belt. Hey. Guards, take your position. Captain Vikas Roy, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। No sir, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। Captain Kapoor, go back to your seat. Go back. अरे कोई रोको इसे, इसने गोली चला दी। अरे ये इसी लायक है बदतमीज। मेजर पुरी, सर, डू यू हैव एनी मोर विटनेसेस? नो सर। कैप्टन रॉय, डू यू हैव एनी मोर विटनेसेस? सर, मैं सवार रामचंद्रन से कुछ पूछना चाहता हूं। सवार रामचंद्रन? सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैंने खून किया है, मैंने खून किया है सर, मुझे सजा दीजिए। रामचंद्रन, तुमसे जो सवाल पूछा जाए बस उसका जवाब दो और कुछ नहीं कहना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बचाने वाला मैं कौन होता हूं? मुझे कुछ नहीं कहना है सर। तुम क्या इतने डरपोक हो? सर, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलना। रामचंद्रन, पूरी रेजिमेंट में तुम एक हिम्मत वाले जवान हो एंड द रेजिमेंट इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। रामचंद्रन, हर इंसान को मौत आती है लेकिन वीर एक बार मरता है, अगर मरना ही है तो एक वीर की तरह मरो। बताओ रामचंद्रन, यू आर अ सोल्जर। मोहन वर्मा साहब और कपूर साहब मुझे बहुत गंदी गाली देते थे सर, हरामखोर, चंडाल, दलित, कुत्ते की औलाद, ऐसी ऐसी गालियां देते थे। उस रात को दरअसल हुआ क्या था? मैं गार्ड ड्यूटी पे तैनात था, वो लोग हमेशा मोटरसाइकिल से आते थे और हमेशा मुझे गालियां देते थे सर। बिना किसी कारण के वो तुम्हें गाली क्यों देंगे? वो कमांडिंग ऑफिसर मेरी ड्यूटी चेंज कर दी थी इसलिए। उस रात वहां क्या हुआ था ये बताओ, बताओ। उस रात वो लोग वहां आए और
मुझे गाली दे रहे थे। नहीं, बातों से उकसाकर रामचंद्रन जैसे जवान को गोली चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है कोई। जरूर कोई और वजह होगी, सच बताओ तुम। कमान, मेरी मां। आपकी मां? क्या हुआ आपकी मां को? खुलकर बताइए रामचंद्रन। अब मेरी मां जिंदा नहीं है सर। मेरी मां को ये गंदी गंदी गालियां देते थे। कहते थे कि तेरी मां कपूर खानदान में सो करके कई बच्चे पैदा कर चुकी है। ये भी कहते थे कि अपना जिस्म बेच के मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश की है। और भी बहुत कुछ कहा था सर। बोलते थे कि मेरी मां का बहुतों के साथ नजायज संबंध परेशान कर दिया था सर। प्लीज गार्ड्स गिव हिम वाटर। रामचंद्रन सर, मर्द कभी रोते नहीं और तुम तो एक सैनिक हो। सॉरी सर। थैंक यू सर। अब मैं इनसे कोई और सवाल नहीं पूछूंगा। मेजर अजयपुरी, एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। रामचंद्रन तुम बैठ जाओ। थैंक यू सर। सर। यस। कैप्टन कपूर साहब का फोन कॉल आया है। अभी बात नहीं कर सकते हैं। मैसेज क्या है वो पूछ कर रखो। सर। मेजर पुरी, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। रामचंद्र ने खून किया है यह सबको पता चल गया। मुझे इसके आगे अब कुछ नहीं कहना है सर। मैं रामचंद्र की भावनाओं को समझ रहा हूं सर, लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में लिया है। रामचंद्र को कमांडिंग ऑफिसर्स या आर्मी चीफ से शिकायत कर देनी चाहिए थी। इसने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति से भी इसकी शिकायत की जा सकती थी। तो आर्मी एक्ट 69 के तहत और आईपीसी धारा 302 के तहत रामचंद्रन को मैं फांसी की सजा देने की गुजारिश करता हूं सर। आई फिनिश सर। थैंक यू सर। सर, मिस्टर बी डी कपूर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर बी डी कपूर, यू आर गेटिंग ए प्रमोशन विद इमीडिएट इफेक्ट। दैट्स द मैसेज। थैंक यू सर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। कैप्टन विकास रॉय, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। सर, सर, मेजर पुरी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इन्हें किसी बड़े ऑफिसर के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई तो वहां भी छुपकर ही बैठी है। हमारे देश में 80% शिकायतें फाइलों में बंद बैठी हुई हैं। लोगों के सामने वो कभी नहीं आ पाती। दे विल नेवर गेट जस्टिस, दे विल गेट ओनली इनजस्टिस। कैप्टन कपूर को अभी जो प्रमोशन मिला वो भी इस तरह का अन्याय है। दैट्स ऑल।
थैंक यू सर। थोड़ी देर के लिए सभी यहां से बाहर जाएंगे। Your closing remarks, please. रामचंद्र की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का मेरा विचार है। सर, मेरी राय है कि रामचंद्रन को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जिस रामचंद्रन ने पर्सनल लाइफ की वजह से खून किया उसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड एकदम क्लीन है सर, तो उसे कम से कम सजा दी जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, दैट्स ऑल सर। हम भावनाओं में बहके ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते। इस देश की रक्षा करने वाला सैनिक खुद गुनाह करता है, तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे बाकी गुनहगारों के मन में भय पैदा हो। पक्ष विपक्ष के फैसलों को देखते हुए मैं रामचंद्र के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की मांग करूंगा। अब मेरी बारी। अब तक के जीवन में मैंने बहुत सारे केसेस देखे और सुने और फैसला भी सुनाया। मैंने आप लोगों की राय जान ली है, तो अब मैं फैसला अपने हिसाब से ही करूंगा। गार्ड सर, कॉल देम इनसाइड। सर, रामचंद्रन बैठो। सर, इस कोर्ट मार्शल का आज आखिरी दिन है और इसका फैसला सुनाने का वक्त है कल सुबह 10 बजे। आई हेयर बाय डिक्लेयर द कोर्ट मार्शल इज ओवर। रामचंद्रन स्टे बैक। सो Come here. सर, क्या बात है रामचंद्रन? सर, मैं अपनी बेटी से एक बार मिल सकता हूं सर, मेरी एक ही बेटी। कहां है तुम्हारी बेटी? वो वहां बाहर कस्टडी में है सर, मैं उससे अभी तक मिला नहीं हूं। उसके साथ में कोई नहीं है? कोई नहीं है, वो अकेली है। तुम्हारी पत्नी? मैंने अब तक शादी नहीं किया सर। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, क्या ये बात वो जानती है रामचंद्र? मैंने कभी उसे बताया नहीं है सर। आज से 4 साल पहले टेररिस्ट की गोली से जो मारा गया था सुखदेव की बेटी है ये अमू। उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। उस अनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं था सर, लेकिन अब वो मेरी बेटी है। दया करके आप मुझे उसे एक बार मिलने दीजिए सर। गार्ड सर, इनकी बेटी को लेकर आओ। सर, रामचंद्रन तुम अमू से कैसे मिले? रेजिमेंट में ही मैंने उसे पाला है सर। मैंने कभी भी
अम्मो की जाति पाति फैमिली स्टेटस को मानने के लिए मजबूर नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि अम्मो भी कभी ये सब ना माने। कभी नहीं सर। पापा पापा अम्मो 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 पापा अम्मो चलो ना घर चलते पापा। डरू बेटा, मैं कल आ जाऊंगा। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। हाँ, रो मत बेटी, रो मत। अम्मो मुझे कुछ नहीं होगा बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। मेरे पापा के अलावा मेरे पास कोई नहीं। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटी, जो तुम्हें ऐसा बाप मिला। रामचंद्रन जैसे इंसान को ऊपर वाले ने तुमसे मिला है, तुम्हारा भाग्य है। तुम खुश नसीब हो। मत रो बेटा, मत रो बेटा। ऐसा नहीं बोलते हैं बेटी। मैं सच्चे दिल से कहता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि तुम दोनों कभी अलग ना हो। यू आर नॉट एन ऑफन। पापा कहीं नहीं जा रहे, कहीं। गार्ड्स टेक हर। रामचंद्रन सर, रामचंद्रन कल मैं तुम्हारी तकदीर लिखने वाला हूं। सर कल मैं तुम्हें फांसी की सजा ही देने वाला हूं। कानूनन यही होगा। सर टू बी हैंग Until death. लेकिन तकदीर लिखने से पहले मैं कर्नल सूरज सिंह सल्यूट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। आई एम सल्यूटिंग द रियल जस्टिस।